से त्रासदी की तस्वीर दिन ब दिन भयावह होती जा रही है, क्योंकि जो तबाही मची है उसके शेष अभी भी मलबे के अंदर से निकाले जा रहे हैं। 28,000 से ज्यादा शव अभी तक मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। न जाने कितनी और जिंदगियां खत्म हो गई हैं जिनकी आखिरी निशानी ढूंढी जा रही है। भारतीय सेना भी लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। भारत ऑपरेशन दोस्त के जरिए कभी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले तुर्की और सीरिया की लगातार मदद कर रहा है। मदद करते वक्त भारत ने नहीं सोचा कि उसके तुर्की से संबंध कैसे हैं या तुर्की ने भारत के साथ क्या सलूक किया। बस मदद कर रहा है नरेंद्र मोदी का नया भारत। मुश्किल वक्त में तुर्की के काम आ रहा है। लगातार दोनों देशों की मदद के लिए तत्पर तैयार खड़ा है नरेंद्र मोदी के राज वाला भारत। शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरपोर्ट से राहत सामग्री के 7वें विमान को तुर्की भेजा गया है, जिसमें भूकंप पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक दवाएं, फील्ड हॉस्पिटल, कंबल और स्लीपिंग मैट जैसी जरूरी चीजें हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत से 7वीं फ्लाइट भेजे जाने की जानकारी दी। शनिवार शाम को रवाना किया गया 7वां विमान सबसे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में राहत सामग्री उतारेगा और उसके बाद तुर्की के अडाना के लिए रवाना होगा। भारत से भेजी गई 7वीं मदद वाली फ्लाइट में 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री है, जिसमें से 23 टन से ज्यादा सामग्री सीरिया के लिए और बाकी 12 टन राहत सामग्री तुर्की पहुंचाई जाएगी। सीरिया को भेजी गई राहत सामग्री में क्या है? सीरिया को भेजी जाने वाली सहायता में स्लीपिंग मैट, जनरेटर सेट, सोलर लैंप, तिरपाल, कंबल, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं और आपदा राहत सामग्री जैसी राहत सामग्री शामिल है। वहीं अब तुर्की को भेजी गई मदद में क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। तुर्की को भेजी गई मदद में क्या है? तुर्की को भेजी गई मदद में भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमों के लिए आपूर्ति, ECG, रोगी मॉनिटर, एनेस्थीसिया मशीन, सिरिंज पंप और ग्लूकोमीटर जैसे चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। ये पूरी मदद ऑपरेशन दोस्त के तहत भेजी जा रही है। इस ऑपरेशन को भारत ने भूकंप आने के कुछ देर बाद ही लॉन्च कर दिया था। सेना के C-17 ग्लोमास्टर के जरिए अब तक तुर्की और सीरिया में मोबाइल अस्पताल, दवाइयां और कई राहत सामग्रियों से भरी 5 फ्लाइटें भेजी जा चुकी हैं। इसके अलावा एक C-130J विमान पर भी राहत सामग्री भेजी गई है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने तुर्की की मदद में कहीं भी कैसी भी कोई भी कमी नहीं रहने का फैसला लिया है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद से NDRF की खोज और बचाव टीमें, चिकित्सा टीमें और राहत सामग्री लगातार तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भेजी जा रही हैं। और ये टीमें काम इस तरह कर रही हैं कि तुर्की के नागरिक तक भारतीय सेना का आभार व्यक्त कर रहे हैं, भारतीय राहत और बचाव दलों का खुद को आभारी बता रहे हैं। भारत ने शनिवार को तुर्की और सीरिया को और अधिक जीवन रक्षक दवाएं और राहत सामग्री भेजी है। ये सामग्री C-17 सैन्य विमान से भेजी गई है। भारत ने तुर्की और सीरिया को 841 कार्टन दवाइयां, प्रोटेक्शन सेफ्टी टूल्स और 6.19 टन वजन वाले डायग्नोस्टिक्स भेजे हैं। भूकंप से आई इस त्रासदी में रूस भी सीरिया की बड़ी मदद कर रहा है। रूस ने मिलिट्री विमानों से भूकंप पीड़ितों के लिए खाने का सामान और दवाइयां भेजी हैं। आपको बता दें, तुर्की में भूकंप का पहला झटका 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर लगा था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियाबाद था। इससे पहले के लोग इससे संभल पाते, कुछ देर बाद ही भूकंप का एक और झटका लगा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप के झटकों का ये दौर यहीं नहीं रुका। इसके बाद 6.5 तीव्रता का एक और झटका लगा। भूकंप के लगातार झटकों ने मालाटया, सनली उर्फा उस्मानिये और दियार बाकिर समेत 11 प्रांतों में तबाही मचा दी। और फिर शाम 5 बजे भूकंप का एक और झटका आया, जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। और यहां पर भी कुदरत ने कहर बरपाना बंद नहीं किया और शाम 5:30 बजे फिर एक और यानी कि 5वां झटका लगा। और उसके बाद का मंजर तो आप लगातार देख ही रहे हैं। करीब 13 घंटों में तुर्की और सीरिया को लगे 5 झटकों का असर ये हुआ कि 5 दिन के राहत अभियान में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अभी लगातार मलबे को हटाया जा रहा है, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या पता कौन सी जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में बचाव का इंतजार कर रही हो। वैसे जिस तरह से भारत इस सब में तुर्की की मदद के लिए आगे आया है, तुर्की के साथ खड़ा हुआ है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।